मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। बेटा, मैथ्स में हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8, और इसमें है बेटा हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज। एडिशन की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए बेटा ब्लैंक्स फिल करने थे, ये आपने कर लिए होंगे। बेटा, टुडे जो हमारा सम है वो 11 सम है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, एडिशन की जो सूटेबल प्रॉपर्टी है ना बेटा, वो इसके अंदर लगा करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें ये सम सॉल्व करना है। देखिए बेटा, फर्स्ट है इसके अंदर 11th का ए पार्ट है, ये है 53 + 42 + 47 + 58। ठीक है, आप देखिए बेटा, हम इसमें ये वाला ग्रुप भी बना सकते हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर सकते हैं, मीन्स इनका ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप बनाकर, इन दोनों का ग्रुप बनाकर हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें दे रखा है सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, मीन्स हमें वो प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसके अंदर सम हमारा इजी हो जाता है, ठीक है, ऐड करने में। और इसके लिए बेटा क्या करना होगा, हमें उन टू नंबर्स का ग्रुप बनाना है जिनका ऐड हमारा 100 आ जाए। ठीक है, 100, 200, 1000 मीन्स 100 वाली लाइन में आता है, 100, 200, 300 इस तरह से बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा, इसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे बेटा, जो हमारे लास्ट वाले डिजिट है ना इनके, उनको हम देखेंगे कौन से को ऐड करने से 0 आ रहा है। आपने देखा बेटा 3 और 7, ये 3 है ये 7 है, जब इन दोनों को ऐड करते तो 3 और 7 = 10 होता है, और ये 2 है और ये 8 है, जब 8 और 2 को ऐड करते हैं ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिनके लास्ट के डिजिट हम ऐड करके देखिए 3 और 2 = 5, 2 और 7 = 9, 7 और 8 = 15 नहीं आ रहा, लेकिन देखिए 3 और 7 = 10, 8 और 2 = 10, इनको ऐड करने से आ रहा बेटा। तो हम पहले क्या करेंगे, 53 के साथ में बेटा 47 का ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस का निशान बेटा, इन दोनों का ग्रुप बना देंगे और 42 और 58 का ग्रुप बना देंगे, 42 + 58 बेटा, इन दोनों का ग्रुप बना दिया। अब क्या करना है, पहले हम ग्रुप के नंबर्स को ऐड करेंगे बेटा। ठीक है, 53 में 47 ऐड कर देंगे बेटा, ऐसे नहीं, 7 और 3 = 10, 5 4 = 9, 9 और 1 = 10 बेटा 10, आप ऐसे ऐड कर लोगे। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप कैसे करोगे बेटा, 53 में 47 ऐड कर दोगे आप, यहाँ पर 47 ऐड कर दिया, यहाँ से 100 आ जाएगा, ऐसे ही 42 में 58 ऐड कर दोगे तो 8 और 2 = 10, 5 4 9 और 1 = 10, दोनों टाइम क्या रहा बेटा, 100। ठीक है, तो आपने देखा इन दोनों को ऐड करने से 100 आ गया, प्लस इन दोनों को ऐड करने से भी 100 आ गया। ठीक है, दोनों का लिख दिया हमने, इसको भी ऐड कर दिया, इसका भी ऐड कर लिया। ठीक है, अब आपने देखा ये 100 दोनों को ऐड किया, 100 + 100 क्या होता है, 0 में 0, ऐसे ही करना बेटा, इसका वंस वंस ऐड करना, फिर टेंस में टेंस ऐड करना, और 100 में 100 ऐड करना। ठीक है, ये आ गया बेटा 200 हमारा, क्या आ गया, 200, 100 + 100 क्या होता है, 200। आपने देखा बेटा कितना इजी हो गया है इन दोनों का, जब हमने ग्रुप बनाया ये 100 बन रहा है, ये भी 100, 100 + 100 = 200। ठीक है, इस तरह से बेटा आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, सूटेबल प्रॉपर्टी इसमें यूज करनी है, इसमें हम ग्रुप बनाएंगे टू टू नंबर्स का। ठीक है, अब है बेटा नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है। देखिए बी पार्ट को भी बेटा ऐसे ही करेंगे हम, ऐसे ही ग्रुप बनाएंगे उसके अंदर भी। बी है देखिए 44 + 34 + 56 + 66 बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा, इसका लास्ट लिया 4 और 4 = 8, इनमें तो 8 आ रहा है, लेकिन आप यहाँ देखिए 6 और 4 = 10। ठीक है, 4 और 6 = 10, आप बेटा ये देखिए 4 और 6 = 10, हमने देखा जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये इसका ये और इसका ये 10 आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही बेटा देखिए इसके अंदर
ये हमारा 4 और 6 10, तो इन दोनों को इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको करेंगे, ठीक है। 44 लिया, 44 के साथ बेटा हमने ये 56 वाला नंबर लिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारा ये ग्रुप बना दिया, हमने ब्रैकेट में डाल दिया, बीच में प्लस का निशान डाला। अब बेटा हम 34 वाला लेंगे और 34 के साथ लेंगे बेटा हम 66, ठीक है। हमारे चारों नंबर आ गए, 44 56 34 66। आप क्या करेंगे बेटा, 44 में 56 ऐड कर देंगे और यहां से ये हमारा 10, 5 और 9 और 1 10 हैंडेड आ गया। ऐसे ही बेटा 34 में 66 किया तो यहां से भी हमारा हैंडेड आ गया, ठीक है। ऐड करोगे तो हैंडेड आ जाएगा। आप क्या करेंगे बेटा, इस हैंडेड और इस हैंडेड को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये यहां से आया, ये यहां से आया, और हैंडेड और हैंडेड क्या हो गया बेटा, 2 हैंडेड, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा, 2 हैंडर्ड, हैंडर्ड प्लस हैंडर्ड क्या आ गया है, 2 हैंडर्ड, ठीक है। इस तरह से बेटा हम सेकंड वाला इसका बी पार्ट करेंगे, ठीक है। आपको बेटा क्या ध्यान रखना है, बस ग्रुप का ध्यान रखना है कि कौन से नंबर्स का हम ग्रुप बनाए कि सवाल हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। आसानी से हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इस सवाल को सोल्व कर सके बेटा, ठीक है। अब सी पार्ट है बेटा, देखिए इसमें इसमें है 291, 291 प्लस 378 प्लस 109 प्लस 122। आप देखिए बेटा यहां पर देखिए 8 और 1 9, इसमें तो 9 आ रहा है, 1 किया 8 किया तो 9 आ रहा है, मींस 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने देखा ये, देखिए बेटा ये तो इसका 1 है और इसका 9, ठीक है। तो 9 और 1 क्या होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट में 0 आ रहा है, तब इन्हीं का ग्रुप बनाएंगे पहले, ठीक है। 109 ये ग्रुप बने, अब प्लस ये दो नंबर बच गए, इसका और इसका ग्रुप बना देंगे। देखिए 8 और 2 10, इसमें भी 10 आ रहा है लास्ट में, फिर ठीक है 0 आ जाएगा, ये हमारा हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 291 प्लस 109 कर दिया हमने, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड कर दीजिए आप, 9 और 1 10 1 कैरी, 9 और 1 10 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4, यहां से 400 आ गया। यहां से देखिए 8 और 2 10 1 कैरी, 7 2 9 और 1 कैरी ऐड की तो 10, ठीक है, 1 कैरी, और 3 1 4 4 और 1 5, यहां से 500 आ गए बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, 400 प्लस 500 कर देंगे, और जब 400 प्लस 500 किया तो क्या आया, देखिए 0 में 0 ऐड की तो 0 आ गया, फिर ये 0 की तो फिर 0 आ गया। अब 4 और 5 हो गए बेटा 9, और ये क्या आ गया हमारा आंसर, 900, ठीक है बेटा। इस तरह से बेटा आप ग्रुप बनाओगे, इन्हें आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने के लिए पहले आप क्या करो बेटा, जो लास्ट वाले डिजिट है ना नंबर्स के, इनको ऐड करके देखोगे, अगर 0 आ रहा है ऐड करने पर, जैसे 10 आ रहा 20 आ रहा, तो आप उनका ग्रुप बना लोगे, उन नंबर्स का, ठीक है। और इस तरह से बेटा आप सूटेबल ग्रुप बनाओगे, ठीक है। ओके, थैंक्स बेटा।